काम करना। भोजगढ़ी कोड़ा रोपाता है अब चुनाव आ गया। अरे जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला, 70 लाख आदमी आया था राज्य डी कर रहा है, 70 लाख से कम नहीं, एकदम एक वो कम नहीं। अब गिनती इतना कड़ा था ना, गिन लिया 10 लाख की रैली। भाई 10 लाख की रैली कैसे हो जाएगा वहाँ? ये छुरछुरी पटाखा छोड़ दिया। और वो रैली क्या था, वो तो ताजपोशी था, पुत्र का ताजपोशी। नमस्कार, आप सस्टॉक देख रहे हैं और मैं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। कल जनविश्वास महारैली का आयोजन गांधी मैदान में किया गया। उससे पहले दावा था कि 10 लाख लोगों का जुटान होने वाला है, लेकिन कल लाल झंडा यानी कि सीपीआई माले का भीड़ जो देखा, उससे लगा कि बहुत भीड़ जो है सीपीआई माले की थी। लेकिन एक तरफ ट्वीट भी किया गया कि अगर लाल झंडा नहीं होता तो नुक्कड़ सभा रह जाती। इससे बातचीत करने के लिए हमारे साथ नीरज जी हैं, जो मुख्य प्रवक्ता हैं, एमएलसी भी हैं। क्या कहिएगा इस पर? देखिए, वामपंथी पार्टियों का उभार तो स्वाभाविक है, और चूंकि सत्ता में जब उनकी भागीदारी बढ़ती है तो उनका जनाधार बढ़ता है, इतिहास गवाह है। लेकिन 10 लाख, 70 लाख आदमी आया था राज्य डी कर रहा है, 70 लाख से कम नहीं, एकदम एक वो कम नहीं। अब गिनती इतना कड़ा था ना, गिन लिया ये सब। गांधी मैदान की कैपेसिटी है 2.25 लाख के लगभग, आदमी में आदमी सट जाएगा तब, जबकि अब वहाँ एक जोन है जहाँ पार्कुर टाइप का भी डेवलप हो गया है। तब पर भी दावा था 10 लाख की रैली। भाई 10 लाख की रैली कैसे हो जाएगा वहाँ? ये छुरछुरी पटाखा छोड़ दिया। और वो रैली क्या था, वो तो ताजपोशी था, पुत्र का ताजपोशी। नहीं तो आखिर दीपांकर भट्टाचार्य, डी राजा, मल्लिकार्जुन खड़गे, मैं राहुल गांधी जी, इन लोगों ने कौन सा अपराध किया था कि इनका एकजुटता का संदेश हाथ उठा के देते ना, तो दोनों बेटा के हाथ उठावा लेन और सब परिवार का लालू जी नाम ले लिए। अपने परिवार में हमारा कितना बाल बच्चा था, आप ही को जानने के लिए लोग आया था कि महागठबंधन के हमको कितना बाल बच्चा है, हमारा कौन किडनी दिया, तो हमारा कौन क्या किया। अरे क्या कर रहे हैं आप लालू जी? कल एक वीडियो में वो देखा जा रहा था कि जिस तरीके से पहले तेजस्वी यादव का उन्होंने हाथ उठाया, बगल में तेज प्रताप यादव खड़े थे, उसके बाद तेजस्वी यादव ने कुछ कहा, उसके बाद वो तेज प्रताप का भी हाथ उठाते। नहीं नहीं, तेज प्रताप यादव ने कहा तब, हाँ। वो डराया तब उठाया कि हाँ। वो डरा दिया, कहा कि हम तब लालू जी पकड़े हाथ, वो देखेगी फिर कला करेगा ये। हिंदू होने पर सवाल खड़ा कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव नरेंद्र मोदी के कि उनके माता जी का स्वर्गवास हुआ था, उसके बाद दाढ़ी और बाल भी वो नहीं बनवाए। अरे भाई लालू जी, आपको पोथी पत्रा जलाने वाले लोग हैं ये, जब जेल गए ना तब इनको भगवान याद पड़ने लगे, कृष्ण भगवान और कौन कौन याद पड़ने लगे इनको। भाई इस देश की परंपराएं अलग अलग हैं, लालू जी को तो चुकी रहते हैं घर में, ये तो जेल चाहे घर, बाहर निकलते नहीं हैं। इस बिहार के अंदर परंपरा है कि नहीं? बहुत जगह पर ऐसी परंपरा है कि मुखाग्नि के दिन ही लोग जो करता होता है वो माथा मुंडन करा लेता है, और ऐसी परंपरा भी है कि दशकर्म के दिन भी चले जाएं नॉर्थ ईस्ट के अंदर में, नॉर्थ ईस्ट के अंदर में माथा का मुंडन लोग नहीं कराते हैं। तो देश की अलग अलग परंपराएँ हैं। अरे अपनी माँ का सम्मान करना, लालू जी हम बोलना नहीं चाहते हैं आपको, लेकिन बोलवाइएगा तो बोल देंगे जरूर। कल मंच पे सभी लोग आपके घर में हाँ। है आपके भतीजा भतीजी का प्रवेश हाँ। आप ही का ब्लड है, खून है, वो बेचारा जा सकता है सब? कभी देखे हैं? कभी देखे कि नागेंद्र राय का परिवार वहां बैठा हुआ है? कभी आपने देखा कि साधु यादव सुभाष यादव का परिवार वहां बैठा हुआ है? तो जो अपने परिवार का होवे नहीं करेगा वो समाज का हो जाएगा। कल वो लोग दावा कर रहे थे कि बिहार में अब अति पिछड़ों के घर पे जाना है, उनके घर पे जाकर अब वोट मतलब अति पिछड़ों के लिए काम करना। भोजगढ़ी कोड़ा रोपाता है अब हाँ। अब चुनाव आ गया, अरे जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिल गया, इसका मतलब अब आप ये कबूल करते हैं? जाने से बेहतर एगो सलाह है लालू जी, हम विरोधी हैं आपके, ये सब झंझट मत पड़ी, अब समय आचार संहिता लग जाएगा। अब आपके पास सबसे बेहतर उपाय है, मॉडल बनिए, मॉडल सामाजिक न्याय का। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि मामू के यहाँ चाय पीने गए हैं, इस तरीके का बयान वो दे रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना भाई, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी साथ ले लीजिए, दलित के नेता हैं,
जो लालू जी अब समय नहीं आपके पास है अति पिछड़ा दलित के यहाँ जाने का, जो 228 कट्ठा तीन धूर और दू धुर की जो आपको जमीन पटना में है वो अति पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक को दे दीजिए। अगर वही मॉडल चला दीजिएगा डॉक्यूमेंट्री बनवा करके बिहार भर में तो लोग कहेगा लालू यादव बहुत उदार है, नहीं तो सब डरा हुआ है लोकसभा का उम्मीदवार। कैसा न कि लालू जी फिर जाएंगे टिकट मांगने के लिए तो फिर जमीन मांग लें, लेकिन हम लोग हैं चौकस चबंद, जहाँ ऐसा करेंगे तो पकड़ लेंगे तुरंत। कल सड़कों पे काफ़ी कम भीड़ थी, लोग जुलूस निकाले हुए थे, लोग रैलियों में जा रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये भी खबर आई कि पत्रकारों के साथ अभद्रता हुई है, ऐसी बात तो कार्य संस्कृति है। तो लालू जी का रैली हो, कार्यक्रम हो, ठेला ठेली नहीं हो, पर्स चोरी नहीं हो, ब्रेसलेट चोरी नहीं हो जाए, घड़ी नहीं छीना जाए, तो राजद है किस बात का? चलिए राजद का फुल फॉर्म क्या है? RJD का आर से आर राइट फॉर गुंडागर्दी, गुंडागर्दी का एकदम लाइसेंस, राइट फॉर गुंडागर्दी। जे है जे से जॉब फॉर लैंड और डी से डेवलपमेंट ऑफ फैमिली। तो कहाँ दिक्कत? बस परिवार का विकास जमीन से होगा और गुंडागर्दी का तो खैर लाइसेंस से मिला हुआ है। किस विषय को लेकर आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आप देखते हैं स्टॉक में, आपके साथ आशुतोष, धन्यवाद।